24 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका नायडू की बलात्कार कर हत्या करने वाले हैवानों के खिलाफ गोंडा में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया, जहां आक्रोशित महिलाओं ने बलात्कारी हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने हैंग टू रैपिस्ट के नारे लगाए। गोंडा नगर के गुरु नानक चौराहे पर आज महिलाओं की भावनाओं के सापेक्ष गालियों का ऐसा बवंडर देखने को मिला जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जहां डॉक्टर प्रियंका नायडू की दरिंदों द्वारा बलात्कार करने के बाद जलाकर उसकी हत्या करने से यानी उसके मामले में आक्रोशित महिलाओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर हैवान को जमकर गालियां दी, वहीं महिला विरोधी मानसिकता रखने वाले पुरुषों को खूब खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हूँ। जी, मैं गुरु नानक चौराहे पे हूँ। नाराजगी नहीं, दर्द है, एक व्यथा, एक पीड़ा है हृदय में। अभी दो दिन पहले जो प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दुर्घटना घटी हुई है, हृदय विदारक घटना है, उसकी उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े थे। बहन ऋषि दुबे, बिल्कुल कष्ट है। ये ऐसा क्या है, संविधान को कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। जैसे 370-35(1) खत्म हुआ है, मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत ही जल्दी, माननीय मोदी जी, योगी जी, इस विषय पे बहुत ही जल्दी गंभीर निर्णय लेंगे और हमारे यहाँ का ये संविधान बदलेगा। अब आने वाले किसी भी समय में ये निर्भया और प्रियंका रेड्डी जैसा घटना घटित हमारे सामने नहीं होगी, ये मुझे अपने सरकार पे विश्वास है। कुछ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी इस पे बहुत ही जल्दी कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे ज़रूर, और उठाना भी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सरकार पर। ऐसे लोगों को मैं इंसान मानती ही नहीं जो कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े पे टिप्पणी करते हैं, लड़कियों की मानसिकता पे टिप्पणी करते हैं, लड़कियों के फ्रैंक होने पे टिप्पणी करते हैं। मैं ऐसे पुरुषों को मैं इंसान मानती ही नहीं जो 6 महीने की लड़की को भी नहीं छोड़े, जो 4 साल की लड़की को भी नहीं छोड़े, और जो एक 24 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कपड़े से कुछ नहीं होता, आप समाज को बदलिए, अपनी मानसिकता को बदलिए। किसी लड़की को गलत नीयत से जब आप देख रहे हैं तो पहले ये सोचिए कि आपके घर में बहन बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी माँ है। मेन समाज दोषी है। समाज में सेक्स को टैबू माना जाता है, सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ह्यूमन एजुकेशन, दया का भाव ही हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है। हमें बस सिखाया जाता है कि यू हैव टू, आपको कंपटीशन करना है, आपको बस पैसे कमाना है। और दूसरी बात, निर्भया जो केस हुआ था, मैं सरकार को ब्लेम नहीं दूंगी, बट सरकार की जिम्मेदारी थी। आई डोंट केयर कि किस पार्टी से हैं आप, कहाँ से क्या है, मुझे नहीं केयर। यू हैव अ ड्यूटी, आपका ड्यूटी है, यू आर नॉट डूइंग जॉब। इतने सारे बलात्कार अगर हो रहे हैं तो आप अपना जॉब ही नहीं कर रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अगर आपने अपना लॉ स्ट्रिक किया होता, सेफ्टी के लिए कुछ किया होता, तो क्यों बलात्कार होते? एक और प्रियंका रेड्डी बन जाएगी कल परसों। हर दिन न्यूज आता है कि छोटी बच्ची, भाई कपड़े में क्या रखा है? 9 साल की बच्ची, 4 महीने की बच्ची ने क्या कपड़ा पहना होता जो आप लोग प्रोवोक हो जाते हो और आप लोग रेप करने लगते हो? फक ऑफ, सिंपल वर्ड, प्लीज डोंट डू दैट। ये जो हिंदू मुस्लिम है, अरे कोई जुर्म का धर्म नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम जुर्मी हो जो हो, आप जाके सब मुस्लिम समाज से पूछिए वो क्या चाहते हैं, वो यही कहेंगे कि भाई हैंग द रेपिस्ट। वो खुद ये कहेंगे, हिंदुओं से जाके पूछिए वो भी कहेंगे हैंग द रेपिस्ट। उनका कोई धर्म नहीं, धर्म नहीं होता है।